नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आपसे आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि आपके पास धन का अभाव है और आपके पास पैसा नहीं ठहरता है, तो आपको मैं अचूक एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको ढेर सारे पैसों से परिपूर्ण कर देगा और आपके जीवन में खुशहाली ला देगा। दोस्तों, आइए हम बात करें सीधी तरह से कि हमारे जीवन में पैसे की यदि कमी हो तो उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपके जीवन में धन का अभाव कैसे खत्म होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि धन के अभाव के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कोई भी एक नोट ले और उसे लाल धागे में लपेट करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर के पीछे, जो आपके घर में हो, उनके पीछे उस नोट को छुपा करके और आप यह मनोकामना मानिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो पैसों का अभाव है उसको आप पूरा करिए और हमें इस दरिद्रता से बाहर निकालिए। मित्रों, यदि आपके घर में कृष्ण भगवान या राधे जी का फोटो नहीं है तो आप उस पैसे को लपेट करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्मरण करते हुए अपने घर के किसी भी मंदिर में किसी भी स्थान पर रख दें। स्थान पे रखने का अर्थ यह है कि आप मूर्ति के पीछे छुपा दें। दोस्तों, मूर्ति के पीछे ही छुपाएं, वरना आपको मिलने वाला पॉजिटिव फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, एक बात और भी है, यदि आपके घर में मूर्ति नहीं है या किसी देवी का या देवता का स्थान नहीं है तो भी यह कार्य किया जा सकता है। आप किसी मंदिर में जाएं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का स्मरण करते हुए यह फोटो अपने मन में ला करके कहना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी पैसे का भाव है आप इसे दूर कर दीजिए। और यह सिलसिला 41 दिन तक चलता रहेगा। मित्रों, तो यदि आप इस चीज़ को 41 दिन तक कर देते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे पैसे का समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा और आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। उस तो एक बात और याद रहे कि आपको सिक्का का प्रयोग नहीं करना है, ओनली नोट का ही प्रयोग करना है। भले क्यों ना वह नोट 1 रुपये का हो, यह मायने नहीं रखता है दोस्तों कि इसमें कि आपको नोट कोई बड़ा ही नोट रखना है, तो कोई छोटा भी नोट रख करके और भगवान से मनोकामना कर सकते हैं। जो आपके मन में होगा वह मांग लेंगे और वह जरूर ही पूरा होगा। मित्रों, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान से इस नुस्खे के अनुसार सिर्फ धन ही प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में यदि पुत्र की लालसा हो या धन की लालसा हो या नौकरी की लालसा हो दोस्तों, तो यह नुस्खा उसमें बहुत ही बढ़िया कारक है जो आपके कार्य में सफलता लाएगा। तो मित्रों, इस चीज़ को एक बार करके देखिए और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या को आप 1 मिनट में सुलझा लेंगे और आपका जीवन एक सही दिशा में जाने लगेगा। तो मित्रों, ध्यान रहे कि आप
कार्य को मैं जिस तरह से बताया हूँ, यदि आप उस तरह से करते हैं तो यह संपूर्ण रूप से आपको सफलता मिलना ही मिलना है। मित्रों, आप 41 दिन तक बिना क्रम तोड़े हुए इसे आप पूरा करें और आप इसे एक समय बना लीजिएगा। मित्रों, आपको इसे सुबह में ही करना होगा, शाम को नहीं। दोस्तों, इस कार्य को आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप अभी सुबह में करने में सफल हैं तो सुबह में करें, यदि आप शाम को सफल हैं तो शाम को करें, लेकिन यदि आप पहले दिन जिस दिन से शुरुआत करते हैं सुबह से शुरुआत करते हैं तो सुबह से इस कार्य को जारी रखें। यदि आप शाम को शुरू करते हैं पहले दिन से तो आप शाम को इस कार्य को हमेशा जारी रखें। मित्रों, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मिलावट होता है दोस्तों तो इसका लाभ आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मित्रों, ये भी ध्यान रहे कि आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के फोटो के पीछे ही छुपाना है, और यदि आपके घर में भगवान श्री कृष्ण राधा जी का फोटो नहीं है तो उनका स्मरण करते हुए किसी भी देवता के पीछे छुपा देना है नोट को। लेकिन दोनों सिचुएशन में आपको कृष्ण भगवान और राधे जी का स्मरण करना है, तभी इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आप सफल रहेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कमेंट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन का बटन दबा लें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।